जेल दे विच्चों ना दो मुलजम सिगे ते उना दे उत्ते जेल दे विच ही हमला होया ते उना नू फिर मेडिकल करवाउण वास्ते इत्थे लियांदा गया ते डॉक्टर साहब ने मेडिकल कर दिता उना दा कंडक्ट हो गया ते हुण फर्दर डॉक्टर साहब जो गाइड करनगे उस हिसाब नाल असीं अगला काम करांगे। ये जिहड़े दोषी सी जिहड़ा सिविल हस्पताल दे विच कोइंसीडेंटली सेम वार्ड दे विच जिहड़ा मर्डर होया सीगा तो ये उस कतल के दोषी सके तो थाना डिवीजन नंबर 2 दे विच गिरफ्तारी पई सी इन्हां दी ते आ कुछ दिन पहला ही असी इन्हां नू जुडिशियल कस्टडी दे विच भेजा सी ते ये उही दो दोषी ने जिन्हां दी सब तो पहले दिन जिहड़ी गिरफ्तारी पई सीगी कतल वाले केस दे विच वार्ड दे विच जिहड़ा होया सी। सर इहदे अटैक की नहीं कीता जिहड़े हजे तक इस चीज़ बारे सानू कोई इनफॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि सानू सिर्फ जिहड़े मुलजम ने जिहड़े मरीज़ के तौर पर इत्थे दाखिल होए ने सानू सिर्फ उन्हां बारे इनफॉर्मेशन आई सी ते असी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ते उहदी प्रोटेक्शन वास्ते फिर असी खुद हाजिर रहे। सर की लगता है उस केस दे विच जिहड़ा कि जिहदे विच इन्हां नू अरैसट पई सी उस केस दे नाल संबंध इन्हां दी कुटमार हुई है? हो सकदा जी, ये पॉसिबिलिटी हैगी है कि शायद बाकी जेल विच घटना वापरी है तो जेल अथॉरिटीज़ इहदे बारे ज़्यादा दस सकदियां क्योंकि सानू कोई इस बारे एस सच कोई इनफॉर्मेशन नहीं हैगी। एक्यूज्ड उही ने ते सो पॉसिबिलिटी हो सकती है शायद जेल विच ही कोई होवे इदां दा। सर की नाम है इहनां दा जिहड़े दो बंदे ने? एक तां साहिल हैगा जी, साहिल बिरला जी, ते एक दा लड़के दा नाम अभिषेक है। सर ओह घटना दे विच इहनां दी की व्यक्तिगत भूमिका रही है? ओह देखो जी, उस इन्वेस्टिगेशन दा सब्जेक्ट है ते भूमिका मैं सच रिवील नहीं कर सकता क्योंकि जिन्नी देर तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुंदी ते पुलिस वल्लों चलान नहीं दे दित्ता जांदा ते उन्नी देर तक भूमिका बारे स्पष्ट नहीं कीता जा सकता ते बड़े मेन अक्यूज सके उस वारदात दे विच। ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।